नमस्कार जोहार स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं JSSC सीरियल 28/1/2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी के रिगार्डिंग जो है कि आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये आपको किस चीज का क्वेश्चंस डील करूंगा, मैथ्स का, है ना, मैथ्स का क्वेश्चन डील करने वाला हूं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही यूनिक है। मैं पढ़ाने से पहले ही आप सभी को जो है कि क्लियर कर देता हूं कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो टुडेज टारगेट मैं लिख के रखता हूं, इसके अंतर्गत बच्चों को क्लियर कर देता हूं आज क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो पहला पॉइंट जो है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा डील इंपॉर्टेंट PYQs और ट्रिक्स सहित, है ना, इंपॉर्टेंट PYQs, वही सब क्वेश्चंस को हम लोग डील करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मतलब पिछले नेक्स्ट प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। और जो जिन क्वेश्चंस को जो है कि आने की संभावना नेक्स्ट एग्जाम में है वो क्वेश्चंस को जो है कि डील करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में डील करेंगे और साथ ही साथ जो है कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में डील करेंगे और हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डील करेंगे। सम एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स के बारे में भी डील किया जाएगा। तो चलिए आज का जो है कि स्टार्ट किया जाए लेक्चर सेशन। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट, आपको इंग्लिश में भी मैं समझाऊंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा क्वेश्चन को। फाइंड द लिस्ट नंबर टू बी एडेड 15125 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक क्वेश्चन से आपको समझाना चाहूंगा, क्वेश्चन कहता क्या है, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 15125 में जोड़ी जाने वाले सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास है और क्वेश्चन में कहता क्या है कि एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए 15 है, सिंपल सी बात है, 15 को आप पूर्ण वर्ग तब बना पाएंगे जब, अच्छा आप ही बताइए ना, 15 में सबसे छोटी संख्या क्या ऐसा जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको एक से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 का रूट क्या निकल जाएगा, 4, तो पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में यहां पर कहा जा रहा है आप लोगों को कि भाई कि अगर आपके पास 15125 है तो आप इसमें क्या ऐसा जोड़ोगे, कम से कम आप इसमें क्या ऐसा जोड़ोगे इन चार ऑप्शन में आप दो जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे, चार जोड़ोगे, सात जोड़ोगे, क्या ऐसा जोड़ोगे कि ये पूर्ण वर्ग में तब्दील हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स मेथड्स के बारे में आप सभी के सामने हम डील करते हैं, इसके बाद लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, ठीक है ना, शॉर्ट मेथड्स भी बताएंगे ट्रिक के साथ। तो पहले लॉन्ग मेथड कर लेते हैं, बेसिक मेथड जिसको कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्गमूल तोड़ रहे हैं। दो दो का पेयर बनाएंगे, बचेगा एक, एक तो एक बार में चल जाएगा, एक एक कम एक। अब एक और एक को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, और एक में एक घट जाएगा तो कैंसिल, बचा 51 और 25। 25 को बाद में उतारेंगे। अब देखिए दो है तो दो में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि यहां पर इससे इसको काट दे, तो एक 21, एक एक बार में तो नहीं गया, ठीक है ना, 21 बार एक एक रखे तो 21 बार में नहीं गया। इसके बाद हम रखेंगे यहां पर दो, ठीक है ना। देखिए तरीका मैं बता दूं, जो चीज यहां पर रखता हूं वो चीज यहां पर भी रखता हूं और यहां पर रख कर उसको जोड़ता हूं, और एक से एक कट गया तो खत्म। दो से चल के देखते हैं, दो दूनी चार 44। अब तीन से जाके देखते हैं करके, तो तृतीय 9 69, तो कुल मिलाकर के हमारा जो है 51 है और अब 69 आ रहा है, इसका मतलब दो बार में चला जाएगा। जो यहां पर दो रखेंगे, यहां पर दो बार रखेंगे और 44 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर जोड़ देंगे, इस जगह पर जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4 24। इस बार इसके बाद 11 में 4 गया तो 7 बचा, और 4 में 4 गया 0 कैंसिल, ये आपका 25 उतर गया फिर से। अब 24 में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, 24 में ऐसा आप क्या रखोगे कि 725 आ जाए, ठीक है, आप समझिए, सिंपल सी बात है। देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए 24 और यहां पर एक एक रख दे तो एक और एक 4 जा 4 1 2 जा 2, तो 241 आ रहा है। यहां पर 725 लाना है, फिर आप यहां पर रखिए दो रखिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 484 आ रहा है, यहाँ पर 725 है और जाएगा। इसका मतलब फिर आप तीन से रखिए, ठीक है ना, 3 3 जा 9 4 3 जा 12 का हाथ में एक, 3 दूनी 6 और 1 7 729 आया, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग को वर्गमूल नहीं आता है तो वर्गमूल तोड़ने भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 729 आ रहा है यहाँ पर, 725 है, तो तीन बार में अगर हम लोग जहां से लगा रहे हैं, तीन बार में लगा रहे हैं तो 729 आ रहा है, 729 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर चार की कमी हो रही है, अगर ये चार होता मतलब 725 के जगह पर अगर ये 729 होता तो ये तीन बार में पूरा पूरा कट जाता। 725 के जगह पर अगर ये 729 होता तो ये पूरा पूरा तीन बार में कट जाता। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब पांच में अगर क्या जोड़ेंगे कि 729 से कट जाए,
तो यहाँ पर चार जोड़ेंगे, पांच में चार जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो लॉन्ग कट ट्रिक हो गया, और ये आपको ये बेसिक ट्रिक भी, बेसिक मेथड भी कहते हैं इसको। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आपका एग्जाम में जो है कि तुरंत क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना। देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक में क्या है, 15125। तो अब 15125 में क्या ऐसा जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये ट्रिक है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। 2778 2378 2378 किसी भी संख्या के इकाई अंक में रहेगा तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। क्या मैंने बोला, किसी भी संख्या का, जैसे कि मान लीजिए मेरा मान के चलिए 32, ठीक है, इकाई अंक में क्या है भाई, दो है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। 32 के जगह पर यही दो के जगह पर तीन रहता तो भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। अगर तीन के जगह पर सात रहता तो भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। आठ रहता तो भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा। यानी कि किसी भी संख्या के किसी भी, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, छोटा से छोटा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके इकाई के अंक में दो है, तीन है, सात है या आठ है, तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनाएगा। क्लियर है? अब यहां पर आप समझिए, बारी बारी से ऑप्शन चेक कर लीजिए। लास्ट में कितना, पांच है, पांच में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में इकाई अंक सात हो गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा दो जोड़ने से। अच्छा, तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पांच तीन आठ, पांच तीन आठ हुआ, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा क्योंकि आठ में आ गया। फिर देखिए सात जोड़िए, सात पांच बारह, सात पांच बारह, सात पांच करेंगे तो बारह हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना है, दो, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके बाद बचा चार, पांच और चार नौ, नौ हो गया तो इकाई अंक नौ, यानी कि दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, सात भी नहीं है, आठ भी नहीं है। इसके अलावा कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर इकाई के अंक में है तो वो पूर्ण वर्ग बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए ये वाला आप लिख लीजिएगा, ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अब आगे क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 5xy2। तो आपको एक बात बता दूं, जैसे कि x प्लस का y प्लस का z अगर ऐसा नंबर है, ऐसा एक्सप्रेशन, तो सबसे पहली बात है एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है, राइट हैंड साइड भी होता है, इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड भी है, बाया पक्ष भी हो सकता है और दाया पक्ष भी होता है। जिसमें बाया और दाया पक्ष रहता है उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अच्छा, यहां पर सिर्फ 5xy2 है, मतलब यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें इक्वल टू जीरो नहीं है। तो इसमें टर्म्स गिनिए ना, कितना, एक है, दो है, तीन है, तो यहां पर कितने टर्म्स है, मात्र एक टर्म्स है, 5xy2, है ना। तो पहला टर्म्स मतलब व्यंजक कितने हैं, एक ही पद है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस, देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x बराबर √6, और आपसे पूछा जा रहा है इसका आंसर, x2 प्लस 1/x2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम तो शॉर्टकट ट्रिक तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसको बेसिक्स मेथड से कैसे सॉल्व कीजिएगा, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, और इधर भी √6 का होल स्क्वायर कर लीजिए। हमको x2 प्लस 1/x2 का वैल्यू चाहिए, a माइनस b2 में तोड़ेंगे तो a2 प्लस, है ना, माइनस, है ना, a2 माइनस 2a, और b बोले तो 1/x, और b2 प्लस b2 मतलब 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर आपका √6 का 6 हो जाएगा, तो x2 हो गया, ये x है, ये x कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस 2 और प्लस 1/x2 बराबर 6। अब क्या हुआ, x2 प्लस 1/x2, इधर 6 है और माइनस 2 इधर चल जाएगा तो प्लस 2, यानी कि 6 और 2 8, तो x2 प्लस 1/x2 का वैल्यू कितना हो गया, 6 और 2 8, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8। अच्छा, एक और तरीका है, इसको शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं, कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू कभी भी आपको a दिया रहे, यानी कि √6 की जगह पर a दिया रहे, तो उस केस में x2 प्लस 1/x2 का जो वैल्यू होगा वो होगा a2 प्लस का 2। तो सर कैसे होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1/x2 का वैल्यू, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, 1/x2 प्लस 1/x2 का तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है, x माइनस 1/x, a की जगह पर क्या, √x है, √x है, तो √x नहीं, √6 है ना, तो यहां पर लिखिए √6, √6 का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। देखिए इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कंपेयर कीजिए, x माइनस 1/x का वैल्यू a, तो x2 प्लस 1/x2 का वैल्यू, x2 प्लस 1/x2 का वैल्यू a स्क्वायर क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस टू, तो ए बोले तो रूट सिक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, तो रूट सिक्स यानी कि छह प्लस दो यानी कि आठ हो गया। सिंपल, ये भी एक शॉर्टकट, ये एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, जल्दी बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है क्वेश्चन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर दो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक के। तो देखिए ये भी एक बेसिक्स क्वेश्चन ही है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर अब अगर आपका दिया रहे दो, है ना, तो इसमें करना क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉसेक ए का वैल्यू चाहिए हमको, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन होता है। हाँ सर जानते हैं। अब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला की मदद से इसको तोड़ेंगे, ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ए माइनस बी, है ना, और ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इक्वल टू वन। तो आपको हर एक चीज में बेसिक से बताऊंगा बाबू, आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं भगाऊंगा नहीं, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा, पूरा स्पीड से पार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो है कि खुद मैं बीएससी मैथ्स को पढ़ाता हूँ, समझ रहे हैं, मेरा लेवल, मैं एक अच्छे औहदे का मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो ये सब मैथ्स जो है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, है ना। आप अगर विश्वास नहीं होता तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं, बीएससी मैथ्स का जो है कि बहुत सारा जो है कि वीडियोज बनाया हूँ, करीब 800 वीडियोज बनाया हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोग को हर एक चीज डिटेल में डील करके बताऊंगा बाबू, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का स्पेशलिस्ट, आपको मैथ्स अगर नहीं अच्छा समझा पाया तो फिर काहे का मैथ्स का स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये बातें हैं, और मेरे जो है कि साथीगण भी कहते हैं, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि भाई ये सब तो मैथ्स आपके लिए चटनी है, तो खैर आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, पूरा पूर्ण विश्वास कीजिए हम पर, हम आप लोग को एकदम आपके हर एक जो है कि कह सकते हैं कि क्वेरीज होंगी उन सभी को मैं दूर कर सकूंगा, आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं बेसिक्स से मैथ्स बताऊंगा, बेसिक्स से लेकर के हाई लेवल ट्रिक तक, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए क्या है, कॉसेक ए है बाबू, माइनस का कॉट ए, अब क्या है बाबू, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू कितना है, दो है, दो रखिए बराबर वन। अब देखिए कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये आपका क्या हो गया, वन बाई टू, ठीक है, ये भागा में गुना में था तो चल गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर दो, आप इसको इक्वेशन दो मान लीजिए, और ये आप जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए का वैल्यू आप इक्वेशन वन मान लीजिए। अब समझिएगा, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए कॉसेक ए है प्लस कॉट ए है ना, बराबर कितना है, दो है, कॉसेक ए है बाबू, है ना, और माइनस का कॉट ए है, बराबर कितना है, एक बटा दो। अब दोनों को जोड़ेंगे ये मर जाएगा, तो बचेगा टू कॉसेक ए, टू कॉसेक ए बचेगा, और बराबर दो प्लस एक बटा दो बचेगा। यहां पर सॉल्व करते हैं, टू कॉसेक ए बराबर ये दो दुनी चार, एलसीएम ले लीजिए, दो दुनी चार और एक पांच, पांच बटा दो, और ये कॉसेक ए बराबर तब कितना हो जाएगा बाबू, पांच बटे दो दुनी चार, पांच बटा चार, तो कॉसेक ए का वैल्यू कितना हो गया, पांच बटे चार, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हम हिंदी ही पढ़ते हैं, चूंकि आप लोग हिंदी भाषी ही ज्यादा है तो मैं हिंदी ही पढ़ता हूं, ठीक है। तीन क्रमागत पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या का तीन गुना तीसरे संख्या के दो गुना से सात अधिक है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले पहला लाइन को पढ़िए बहुत अच्छे से, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसको पढ़िए क्या है, क्या बोल रहा है, तीन क्रमागत पूर्णांक, जब भी पूर्णांक बोले ना, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर यानी कि गोटा गोटी नंबर, तो उसमें या तो एक्स होगा, अब तीन क्रमागत कंसेक्यूटिव बोला था, एक्स प्लस वन हो गया, फिर एक्स प्लस टू हो गया, तीन क्रमागत पूर्णांक हो गया, समझ पा रहे ना, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो तीन क्रमागत पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या का तीन गुना, तो एक्स है तो सबसे छोटी संख्या एक्स है, सबसे छोटी संख्या का तीन गुना, है ना, तीन क्रमागत पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या का तीन गुना, जब भी क्रमागत की बात करें, तीन क्रमागत की तो x x plus 1 x plus 2, चार क्रमागत की तो x x plus 1 x plus 2 x plus 3, क्लियर है, तो तीन क्रमागत पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या का तीन गुना, सबसे छोटी संख्या x है उसमें तीन गुना तीसरी संख्या का, है ना, तीसरी संख्या कौन है जी, तीसरी संख्या ये x plus 2 है, तीसरी संख्या का दो गुना, तो तीसरी संख्या इक्वल टू कीजिए तीसरी संख्या x plus 2, तीसरी संख्या का दो गुना, तीसरी संख्या का दो गुना से सात अधिक है, यानी कि सात अधिक है, ठीक है, समझ पा रहे ना, फिर से अगर पढ़ लिया समझ लीजिए, तीन पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या x है, उसका तीन गुना करने पर वो किसके बराबर होगा, के दो गुने से, है ना, तीसरी संख्या के
तीसरी संख्या के दो गुने के, तीसरी संख्या एक्स प्लस टू के दो गुने से सात अधिक है। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x प्लस वन का वैल्यू निकालने बोल रहा है। पहले इसको तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x अब प्लस दो दूनी चार अब प्लस सात। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं 3x बाबू, और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, और ये सात चार ग्यारह, तो x बराबर आपका ग्यारह हो गया। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या बोल रहा है, मध्य संख्या निकालना। तो मध्य संख्या x प्लस वन यानी कि ग्यारह प्लस एक यानी कि कितना हो गया बारह। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बारह सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मध्य संख्या निकल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो है तो 2x प्लस वन के संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है भाई, हम लोग को दिया हुआ x माइनस थ्री एंड 2x प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है ना, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस थ्री बराबर जीरो करेंगे और कॉमा 2x प्लस वन बराबर जीरो करेंगे। ठीक है, इतना तो करेंगे। तो 2x प्लस वन के संभावित मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो x का मान यहां से निकाल लेंगे तीन, और यहां से वो निकल जाएगा 2x, ये प्लस वन है तो इधर गया तो माइनस वन, तो x बराबर आपका माइनस वन बाई टू हो गया बाबू। तो x का दो मान आया तीन और माइनस एक बटा दो, तो दो मान आया है तो दो यहां पर भी मान आएगा। अब 2x प्लस वन का संभावित मान निकालने बोल रहा है, तो जब x का मान तीन रखेंगे तो क्या मिलेगा, द्वितीया छह एक साथ। अब x का मान माइनस एक बटा दो रखेंगे तो दो दो ने कट गया तो माइनस एक और प्लस एक यानी कि मिलकर के जीरो, सात कोमा जीरो, तो यहां पर डी ऑप्शन इज करेक्ट है ना, 0.7। तो 2x प्लस वन के संभावित दो मान निकल गया 0.7। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स माइनस 6.8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, मूल बिंदु से, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, मूल बिंदु से बिंदु पी माइनस 6.8 की दूरी है। ये चार ऑप्शन दे दे रहे हैं, क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे ना, मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक की मदद से हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे ना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए और उसका रूट पहना दीजिए, उसका रूट पहना दीजिए। शॉर्टकट ट्रिक पहले समझ लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 100, और 100 का रूट निकालिएगा 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। ये शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट में जो इसका बेसिक तरीका है उसके बारे से उससे हम परिचित करवाते हैं। कहता मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन 0.0, मूल बिंदु से P पॉइंट, ये माइनस छ कमा, ये P पॉइंट है माइनस 6.8। ठीक है, इसके बीच का दूरी निकालने बोल रहा है। तो आप इसको मान लीजिए x1 कमा y1 और इसको मान लीजिए x2 कमा y2। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्या, तो इन दोनों के बीच का दूरी कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच का दूरी x2 माइनस का x1 है ना, फिर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, x2 कितना है माइनस 6 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना 8 माइनस y1 का 0 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आपका माइनस 6 और माइनस 0 यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 का क्या निकल जाएगा 10 यूनिट। समझ में आया ना दोनों के बीच का दूरी। तो ये आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD है, कोई चतुर्भुज होगा भाई, कोई चतुर्भुज होगा, इसका कोण होगा ए, इसका कोण बी, इसका कोण सी और ये डी है, का अनुपात कितना दिया हुआ। देखिए ABCD कोणों का अनुपात दिया हुआ, ABCD कोणों का, ए बी है ना, सी और डी कोणों का अनुपात दिया हुआ, कितना दिया हुआ बाबू, 3:7:6:4 ये दिया हुआ है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये जब दिया हुआ है फिर क्या कहता है, अगर है तो, है तो ABCD एक क्या होगा, तो ABCD होगा क्या, ABCD पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है। तो ये समझ रहे ना, अनुपात दे दिया, एंगल्स का अनुपात दे दिया, ये हो सकता है ए यहां पर हो, यहां पर बी हो, यहां पर सी हो, यहां पर डी हो। ठीक है ना, तो अब पूछा जा रहा है आपसे, एंगल्स का अनुपात दे दिया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है पैरेललोग्राम होगा क्या, ये मतलब पूछा जा रहा है कि ABCD होगा क्या, ABCD होगा क्या, क्या समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आयत का ही एक मॉडिफाइड रूप, इस प्रकार से थोड़ा तिरछा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होता है यहाँ पर, और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होता है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वहीं पर, यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, यानी कि कोई दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे और ये दो भी एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो क्या यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर तीन है नहीं है, यहाँ पर सात है लेकिन यहाँ पर चार है, लेकिन यहाँ पर सात नहीं है। तो यानी कि ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होता है
कि एंगल्स बराबर के यहाँ पर निशान मिलते तो हम कहते पैरेललोग्राम होगा, तो इसीलिए पैरेललोग्राम तो होने से रहा, पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब रोम्बस, रोम्बस चेक कर लेते हैं। रोम्बस में होता क्या है, रोम्बस का यानी के मतलब होता है वर्ग, वर्ग यानी के मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर को ही थोड़ा सा चपटा कर देते हैं, मतलब इस प्रकार से थोड़ा तिरछा कर देते हैं। इसके सभी भुजा जो है ना बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं। और यहां पर जो एंगल बनेगा इसमें भी यहां पर एंगल बनता है, मतलब ऑपोजिट एंगल इसमें भी बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर तो फिर ऑपोजिट एंगल बराबर तभी हो पाते अगर तीन है, तो यहां पर भी तीन होना चाहिए था, यहां पर सात है तो यहां पर भी सात होना चाहिए था, वैसे निशान मिलने चाहिए। तो यानी कि रोम्बस भी नहीं होगा, कन्फर्म रोम्बस नहीं होगा। अब ट्रेपेजियम चेक करेंगे और काइट चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये इरेज कर देता हूं। चलिए पहले काइट ही चेक कर लेते हैं, काइट होगा कि नहीं होगा। काइट का मतलब क्या होता है, वर्ग। पतंग कभी तो उड़ाए होंगे, तो पतंग जब आप उड़ाए होंगे तो काइट एक प्रकार का वर्ग बनाता है, वर्ग। इसके सभी भुजाएं बराबर होती है। आज जो आजकल की पतंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आजकल का जो पतंग है ना वो दिल मार तो चील मार तो अलग अलग टाइप का आता है, ठीक ना, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज के पतंग का जो है कि शेप एंड साइज थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये क्या है, एक पतंग है, पतंग का हर एक साइड जो है ना बराबर होगा तभी जो है कि ये बैलेंस करते हुए उड़ेगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और आजकल जो है कि पन्नी मार आ जाता, चील मार आ जाता, तो नीचे में भाला मार आ जाता, तो नीचे में थोड़ा सा कटा कटा रहता है, यहाँ पर काट देगा, ऐसे ऐसे करके काट देगा, डिजाइन बना देगा, तो देखिए उतना बैलेंस करके उड़ नहीं पाता है। हालांकि तो भी उड़ लेता है क्योंकि जितना इधर काटता उतना इधर काटता है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में काइट हम लोग यही से उड़ाते हैं, ठीक है, यही ओरिजिनल काइट है हम लोग का। और इसमें क्या होता है कि इसका प्रत्येक कोण जो है कि समकोण में कटता है, प्रत्येक कोण समकोण में कटता है, यानी कि प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब प्रत्येक एंगल आपस में बराबर है। तो क्या यहाँ पर आपस में बराबर का निशान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका काइट भी नहीं होगा। काइट नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम, समलंब। अब समलंब क्यों होगा ये बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुतों को समझ में आता नहीं है। तो समलंब होने के पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ, सभी को जोड़ लीजिए, 3, 7, 6, 4, 6 और 4 तो 20 हो जाएगा। और आपको मालूम है कोई भी चतुर्भुज बने, यहाँ पर बोल रहा है कि चतुर्भुज चार प्रकार का दिया है, तो चतुर्भुज कोई भी बने वो हमेशा 360 डिग्री का ही बनता है, चतुर्भुज 360 डिग्री का ही बनता है। तो 20 में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, 18 मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 360 में कन्वर्ट हो जाए, तो यानी कि 18 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 में फिर यहाँ पे 3 में फिर 18 मल्टीप्लाई किए, 7 में फिर 18 मल्टीप्लाई किए, 6 में फिर 18 मल्टीप्लाई किए, 4 में फिर 18 मल्टीप्लाई किए, 18 दिया 54 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अगर बच्चा भूल जाता टेबल, तो यहाँ पर 18 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56 और 7 7 5 12 126 हो गया। इसके बाद इज टू 18 6 कर लीजिए आप, 8 6 48 का 4 6 4 6 6 4 10 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री। इसके बाद 18 चौक कर लीजिए, 8 चौक 32 का 3 4 3 7 72 है ना, 72, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है, हाँ, तो यहां पर 108 डिग्री हो गया, ठीक। तो कुल मिलाकर के 54 डिग्री, 126 डिग्री है ना, ये सब हम लोग के पास आ रहा है। तो अब यहां पर हम लोग ट्रेपेजियम बनाते हैं, यानी कि समलंब बनाते हैं। समलंब इस टाइप से बनता है, इसके दो साइड जो है कि आपस में पैरेलल्स होते हैं, दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं, है ना, दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं और कोई दो साइड आपस में पैरेलल नहीं होते। अब यहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं लिखना ए, इसको इरेज ही कर देते, चलिए, हाँ चलिए। अब देखिए इसके कोई दो साइड सिर्फ आपस में पैरेलल होंगे, कोई भी दो साइड्स, और ये देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इसका नाम देते हैं एंगल ए, इसका नाम देते हैं एंगल बी, इसका नाम देते हैं एंगल सी, इसका नाम देते हैं एंगल डी। अब यहां पर एंगल ए का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 54 डिग्री आया है, और ये मान लेते हैं 126 डिग्री आया है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 108 डिग्री आया है, और ये हमारा आया है 72 डिग्री। और आपको मालूम है कि समलंब अगर होता है तो समलंब का एक ही प्रॉपर्टी है, समलंब अगर बनेगा तो वो एक ही कारण से बनता है, कोई समलंब, समलंब में दो पैरेलल लाइंस होती है और उसको काटने वाली जो रेखा होती है उस रेखा का नाम होता है तिर्यक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सियल लाइन। और यहां पर रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म हमेशा 180 डिग्री का बनाएगा, और समलंब तभी हो पाएगा जब आमने सामने का ये वाला, ये और ये एंगल एक ही लाइन पर जो एंगल्स बनेगा, रैखिक युग्म बनेगा, वो 180 डिग्री का बनना चाहिए। कितना होना चाहिए सम, उसका 180 डिग्री होना चाहिए। 72 108 को जोड़िए 180 होगा,
54 और 126 को जोड़ लीजिए 180 होगा, है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर तो ये समलंब बनेगा ही नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये होगा, जरूर होगा, 180 होगा, 6 4 10 का में 5 3 8 और 180 हो गया, फिर 108 और 72 को जोड़ के देखिए आपको कंफर्म 180 होगा। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है तो ये ट्रेपेजियम होगा ही होगा, कंफर्म। बहुतों को ये चीज समझ में नहीं आता, आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर आपको 9 बताने जा रहा है। द रेशियो बिटवीन पैरामीटर एंड दी, चलिए हिंदी पढ़ते हैं। एक आयत की परिधि, आयत समझते हैं, ये आयत होता है यानी कि रेक्टेंगल, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई है। आयत की जो परिधि होता है ना, पेरीमीटर, वो क्या होता है, दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, दो लंबाई है, दो चौड़ाई है। तो परिधि का मतलब क्या होता है, टोटल सम, इधर उधर इधर वाला जो ये पूरा सम ही होता है ना, इस पूरे लंबाई को ही तो पेरीमीटर कहते हैं। तो परिधि ये हो गया, तो ये कहता है एक आयत की परिधि ये है और एक आयत की चौड़ाई, तो एक आयत की परिधि पी हो गया बाबा, एक आयत की परिधि पी हो गया, और के बीच का अनुपात, एक आयत की परिधि और चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, है ना, चौड़ाई का अनुपात हो गया 5:1 यानी कि 5/1। यदि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना तो हम लोग डेटा है। इसके बाद बोलता है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान है, चलिए आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या था, दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और नीचे में चौड़ाई था ब्रेथ, और 5/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऐसे ऐसे, तो 2 × L + B बराबर 5b, तो ये आपका हो गया 2l + 2b, और ये आपका हो गया प्लस 5b है, तो -5b बराबर का 0, है ना। थोड़ा सा हाथ आपको स्पीड चलाना पड़ेगा, ठीक ना, अब बहुत सारा कैलकुलेशन करने से बचना होगा। तो 2b में -5b गया तो -3b बराबर 0, तो यानी कि 12 बराबर आपका 3b हो गया, तो l बराबर आपका हो गया 3/2b, तो लंबाई आपका 3/2b हो गया बाबू, ठीक है। लंबाई निकल गया, अब इस चीज को हम लोग इरेज कर देते हैं, लंबाई निकल गया ना बस, है ना, लंबाई कितना निकला 3/2b। अब जरा समझिएगा, मेरा बात को समझिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे ले हैं, मतलब ये एरिया दिया हुआ है, लंबाई का वैल्यू लिखिए 3/2b × b और बराबर 200, ये देखिए लंबाई का वैल्यू 3/2b, और ये इसका बी इधर आ गया, ये बी टू यहां से आया, ठीक है, 216। अब ये बी बी स्क्वायर हो जाएगा, 3/2b² हो गया बराबर 216 हो गया, ठीक है बाबू। अब जरा समझिएगा मेरा बात को बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है ना, बहुत ही गौर से समझना आप लोग को। फिर क्या हो गया बाबू, ये बी स्क्वायर बराबर ये 216 हो गया, और ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल गया, 2 इंटू में है डिवाइड में चल गया, तो 3 × 3 है ना, इससे आप काट सकते हैं 216 को काट सकते हैं, कितना, 3 × 3 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6 72, तो बी स्क्वायर बराबर आपका आ गया 72 × 2, 2 × 2 = 4 हो गया, 7 × 2 = 14 हो गया 144, तो ये आपका 144 का रूट कितना निकलता है 12, तो चौड़ाई कितना निकल गया 12, लेकिन हमको चाहिए क्या, लंबाई, लंबाई चाहिए, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 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 बच्चों, एल बराबर क्या है 3/2b है ना, तो 3/2 लिखिए, और चौड़ाई कितना 144 लिख दीजिए, सॉरी चौड़ाई कितना आया है 12 लिख लीजिए, 2 × 6 = 12 6 × 18, तो ये आपका हो गया लंबाई 18 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बताइए कोई दिक्कत। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि एक नियमित बहुभुज, हमको मालूम नहीं है बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुभुज का मतलब होता है ट्राइंगल भी एक प्रकार का बहुभुज है, त्रिभुज है ना वो भी एक बहुभुज है, आयत भी एक प्रकार का बहुभुज है, उसमें बहुत सारा भुजा है, फिर इसके बाद आपका बहुत सारे षटकोण पंचकोण है ना, सभी को सभी जो है कि बहुभुज है, पंचकोण में पांच भुजाएं होती है, षटकोण में जो है कि है ना आपका हेप्टागोन जो होता है, हेप्टागोन में 7 भुजाएं होती है, ऑक्टागोन यानी कि उसमें 8 भुजाएं होती है, तो इस प्रकार के सभी बहुभुज है, पॉलीगन है, तो एक नियमित यानी कि रेगुलर बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है, इसकी कितनी भुजाएं होगी, तो अब हमको मालूम ही नहीं है कि कैसा जो है कि बहुभुज है, तो इसीलिए रेंडमली एक अपने से कुछ अंदाजा लगाते हुए एक हम लोग बहुभुज अपने से बना लेते हैं, ठीक है ना, एक अपने से बहुभुज बना लेते हैं, चलिए भाई ऐसे बहुभुज होगा, कुछ ऐसा बोल दिए, अब मालूम नहीं इसमें कितने भुजाएं है ना,
तो यहां पर बोला जा रहा है यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक मतलब अंदर वाला कोण 165 डिग्री का है, यह बोला जा रहा है, तो इसकी कितनी भुजाएं होगी, तब इसकी कितनी भुजाएं होगी, ये निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे समझिएगा, तो हमको आंतरिक भुजा का हम लोग आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो बाहरी कोण कैसे निकालेंगे, बाहरी कोण तब 15 डिग्री का हो जाएगा, बढ़ाएंगे कोण, तो क्यों, क्योंकि देखिए रेखीय युग्म बना रहा है, 165 और 15 मिलकर 180 बन जाएगा, इसी वजह से बाहरी कोण आपका 15 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जिन बच्चों को 15 कहां से आया ये नहीं समझ में आया, तो वो 180 में 165 माइनस कर दीजिए, आपका 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, अब इतना क्लियर है, अब यहां पर बात को समझिएगा, यहां पर गौर कीजिएगा, ये बाह्य कोण निकल गया, और हम लोग एक चीज जानते हैं, सभी बाहरी कोणों का योग है ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, एक कोण का जो है कि एक बाहरी कोण का योग कितना है, 15 डिग्री है। ठीक है, अब हम करने के बाद थोड़ा सा हम आपको थोड़ा तरीका बताते हैं, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने कोण है, तीन कोण है और तीन भुजाएं हैं। अच्छा, ये क्या है बाबू, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में के कोण है और के भुजाएं हैं, चार ठो कोण है और चार ठो भुजाएं हैं, तो यदि कोण पता चल जाए तो भुजाओं की संख्या भी पता चल जाती है, जितनी भुजाएं होती है उतनी कोण होती है। तो यहां पर वही हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग वही बात कर रहे हैं, यदि हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स की संख्या पता कर ले कि टोटल एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं, तो हम लोग इजिली बता पाएंगे कि इसमें टोटल जो है कि भुजाएं कितने होंगी। तो एक कोण का योग, एक कोण का वैल्यू 15 डिग्री, एक बढ़ाई कोण का योग 15 डिग्री, तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल से हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एंगल्स n है, तो नंबर ऑफ एंगल से हम टोटल नंबर ऑफ एंगल से हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोणों का योग कितना होता, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, तो n को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। अब 15, अब यहां पर क्या होगा बच्चे, यहां पर क्या होगा, n का वैल्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स निकालने के लिए 360 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, तो 360 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है ना, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 24, यानी कि टोटल एंगल्स कितने हैं, 24। जब एंगल्स पता चल गया तो कंफर्म है कि भुजाएं भी 24 होंगे, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब इसको ये तो एक्सटीरियर तरीके से हम लोग निकाल दिए फॉर्मूला लगाकर, शॉर्टकट ट्रिक लगा करके, अगर आप इंटीरियर से निकालना चाहेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो लंबे चीजों को सीखना जरूरत नहीं है। ठीक है ना, देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, द रेडियस, हिंदी में पढ़ देते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यहां तक जाएगा 13 सेंटीमीटर है, तथा उसकी एक जीवा की लंबाई, जीवा यहां पर होगा, एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की दूरी, तो 20 से अगर काट देंगे तो ये कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है, उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 से काटेंगे 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, केंद्र से जीवा की दूरी, तो केंद्र ये हुआ केंद्र और ये जीवा हुआ, केंद्र से जीवा की दूरी निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक अगर हम एक लाइन खींचे तो ये भी 13 सेंटीमीटर का होगा। पूछे क्यों, क्योंकि रेडियस जो है ना हर जगह वृत्त में सेम होता है, तो यानी कि हमारे पास 13 ये है, ये 5 है, और हमको ये चीज चाहिए, तो ये चीज कितना होगा, ये चीज 12 होगा। हम इतना जल्दी कैसे बोल दिए, इतना त्वरित रफ्तार से कैसे बोल दिए कि 12 होगा, तो देखिए एक पाइथागोरियन ट्राइड्स होता है ना, पाइथागोरियन ट्राइड्स होता है, इसके मदद से, इसको पाइथागोरिक ट्रिक भी कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिक होता है इंग्लिश में। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि आपको 13 मालूम है, 5 मालूम है, तो 12 हो जाएगा, मतलब ये है कि आपको 13 और 5 मालूम है तो तीसरा का वैल्यू 12 हो जाएगा, अगर आप 13 और 12 जानते हैं तो उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, मतलब हम कह रहे हैं कि यदि देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर हमको मालूम था ना, यहां पर हमको 13 और 5 आ रहा है, तो ये हमको चाहिए, तो 13 5 है तो उसके साथ साथ तीसरा मेंबर जो है कि 12 रहेगा, है ना, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा सीरियल वाइज लिख देते हैं, 5, 12 और 13 एक साथ रहेगा, जब भी एक साथ रहेगा, इसको पाइथागोरिक ट्रिक कहते हैं। अगर 13 5 मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा वाला जो है कि 12 होगा।
अगर नहीं समझ में आता चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला लगा के, तो इससे हम आंसर कह दिए कि 12 होगा, कंफर्म हो गया 12 हो गया, आंसर 12 होगा, 12 सेंटीमीटर होगा केंद्र से जीवा की दूरी। तो इसको एक तरीके से हम बता दे रहे हैं, प्रूफ भी कर दे रहे हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस कितना 13 का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर मालूम नहीं है तो पी स्क्वायर लिखिए, बेस कितना 5 का स्क्वायर लिखिए, तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर -25 और बराबर पी, बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर तो इधर रूट चल जाएगा, 169 और 25 घटाएगा तो 144 आएगा, 144 का ऑब्वियस सी बात है 12 होगा कंफर्म, तो इसलिए 12 सेंटीमीटर हो गया, तो 11 कंप्लीट। अब चलिए अब आगे 12 देखते हैं, 12 तो और आसान है बाबा, देखिए साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें से आपको चूज करने बोल रहा है, तो ऐसे कैसे चूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, साइन देखिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बात समझिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, यदि आप आर्ट्स साइंस बैकग्राउंड से है तो, और 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो वहां फॉर्मूला नोट कर दिए हैं, लिख लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसी वजह से यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग पहले तो क्वेश्चन तो लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री और प्लस का थीटा और माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस का थीटा, अब इस साइन को क्या लिखूंगा मैं, कॉस में परिवर्तित कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा बोले तो 60 डिग्री प्लस थीटा है, इस पूरे का हम लोग कहते हैं थीटा है ना, माइनस का कॉस 30 डिग्री और माइनस का थीटा, ठीक है, अब क्या हुआ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये पूरा थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, अब जरा समझिएगा कॉस 90 में से 60 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि 90 डिग्री फिर माइनस 60 डिग्री फिर माइनस 60 डिग्री फिर माइनस थीटा, ये माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, अब कॉस 30 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 90 में 60 गया तो 30 बचेगा माइनस का 30 माइनस का थीटा, और कॉस 30 डिग्री माइनस का थीटा, ये सेम आ गया, प्लस में कॉस और कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, ये और ये कट गया, बचा क्या वैल्यू 0, तो ऑप्शन क्या हो गया ए, ऑप्शन इज राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, देखिए द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, मतलब इसका कहने का मतलब 782 616 918 और 436 को आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके इकाई अंक को पता करो कि इकाई अंक में होगा क्या, ठीक है ना, इन सभी को मल्टीप्लाई करके इसकी इकाई अंक के बारे में पता करने बोल रहा है, जैसे कि समझिए 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, तो इसका इकाई अंक में कितना है 6, तो ये चीज के बारे में पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ, और ये तो इतना बड़ा नंबर है तो आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, तो इसी वजह से आप क्या कीजिए, शॉर्टकट ट्रिक मेरा तरीका समझिए, इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 नहीं पा रहा, यूनिट डिजिट में क्या आया 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, इसके यूनिट डिजिट से 2 × 8 = 16, तो इसका यूनिट डिजिट में कितना है 6, इसको 6 से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6×6 = 36, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 6, तो आंसर क्या हो गया 6, मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट जो बनेगा ना वो 6 ही बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 2x + 3y का होल स्क्वायर, और ये 4 ऑप्शन दे दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो कहीं भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो जहां माइनस है उसको पहले ही माइनस कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, है ना, ये खत्म हो गया, जहां माइनस है उसको पहले ही खत्म कर दीजिए, है ना, यहाँ पर भी माइनस है इसको भी पहले खत्म कीजिए, बचा 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन में देखना है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर है, तो 2x का होल स्क्वायर यानी कि क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 4x² ऑब्वियस सी बात है, तो 4x², और यहाँ पर देखिए 6x², यानी कि यही वाला ऑप्शन होगा कंप्लीट, है ना, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2x + 3y का होल स्क्वायर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर करके, आपका वही वाला बी ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ये वाला होने से रहा क्योंकि ये 6x² हो जा रहा है, जबकि 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x² हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में थोड़ी गलत, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, ये आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं और ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी है, है ना, थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव टाइप का है, मतलब कि लंबा बनेगा, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है, और होमवर्क रहेगा, अगर दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप लोग कैसा लगा वीडियो लेक्चर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बस हम लोग को क्या चाहिए, आप लोगों का प्यार, और आप लोग क्या चाहिए, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नोट्स चाहिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, उन क्वेश्चंस को बेसिक लेवल से एकदम बच्चा लेवल से डील करने वाला इंसान चाहिए, जो कि मैं हूं, ठीक है, और आशा करता हूं कि हर एक आपके हर एक
ख्वाबों पर हम लोग खरा उतरेंगे और साथ ही साथ आप लोग को नौकरी तक, नौकरी के मंजिल तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।